नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुरा। भाई, आज के इस मुद्दे की हम शुरुआत कर लेते हैं जो कि बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी के मोबाइल में से ऑनलाइन पैसे अचानक से ट्रांसफर हो गए किसी दूसरे अकाउंट में, या ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं भले वो किसी भी मीडियम से करें उसमें हमारे एक्स्ट्रा पैसे कट गए, या एटीएम से किसी ने हमारे पैसे निकाल लिए गए। तो ये तमाम तरह के ये जो मुद्दे हैं, ये जो क्राइम है, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो हम आपको बता दें कि प्रदेश में साइबर क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन इस तरीके के मुद्दे हमें सुनाई में आते हैं और पुलिस सबसे बड़ी बात सिर्फ शिकायतें ही दर्ज कर अपनी पीठ थपथपा रही है। ना तो आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं और ना ही लोगों की लूटी हुई गाड़ी कमाई वापस आ रही है। इसके चलते साइबर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन इतना लाचार है या फिर संसाधनों की इतनी कमी है कि प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। साइबर क्राइम को रोकने में पुलिस हुई नाकाम, लोगों की शिकायतों का नहीं हो रहा हल, लोगों की गाड़ी कमाई पर साइबर ठगों की नजर, ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में ठगे जा रहे हैं लोग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हो जाइए सावधान, आपके ट्रांजैक्शन पर है किसी की नजर, आपके खाते से उड़ाई जा सकती है भारी रकम, ऑनलाइन शॉपिंग भी पड़ सकती है भारी। साइबर ठगी से जरा बचके। प्रदेश में लगातार साइबर अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन शायद ही किसी मामले में साइबर थाना पुलिस किसी के पैसे वापस कराती हो। ऐसे में लोग साइबर अपराधियों के हाथों रोज लूट रहे हैं और साइबर थाना कुछ नहीं कर पा रहा है। साइबर थाने में रोज लोग अपनी शिकायतों का हाल जानने पहुंचते हैं और उन्हें बता दिया जाता है कि मामले में कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रही है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती। सोशल मीडिया, शॉपिंग की ऑनलाइन साइट्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए भी खूब साइबर अपराध लगातार हो रहे हैं। हर महीने दर्ज हो रहे हैं 80 प्रकरण। एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष चालके के अनुसार साइबर क्राइम का रूप हर 3 महीने में बदल रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो हर महीने 80 प्रकरण आईटी एक्ट के दर्ज हो रहे हैं। इनमें कई जटिल केसों को सॉल्व कर पाना तो मुश्किल है, तो कई लिंक भेजकर, कभी ओटीपी पूछकर जालसाज लोगों के खातों से रुपए साफ कर रहे हैं। एक साल में करीब 960 आईटी एक्ट में मुकदमे हुए दर्ज। एक साल में 10 करोड़ की ठगी कमिश्नरेट के थानों में। 400 से अधिक मामले ऐसे हैं जिन्हें नहीं सुलझा पाई है साइबर पुलिस। तो वही पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधों को हल नहीं करने की एक वजह संसाधनों का अभाव भी है। पुलिस के पास डाटा एकत्रित करने के लिए हार्डवेयर नहीं है, साथ ही मोबाइल नंबर का सोशल इंजीनियरिंग विश्लेषण करने के लिए टूल्स की भी कमी है। मसलन अपराधी के मोबाइल में कौन कौन सी ऐप डाउनलोड है, किस नाम से अपराधी सोशल मीडिया अकाउंट चलाता है, इस बात की जानकारी जुटा पाना भी आसान नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि आए दिन किसी न किसी तरीके से हमारे पास साइबर क्राइम की रोज खबरें आती रहती हैं। जैसे किसी ने आपको फोन करा आपके एटीएम के बारे में, आपके बैंक अकाउंट के बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन और उसके बाद में एकदम से आपको पता पड़ता है कि आपके अकाउंट में से पैसे गायब हो गए। और दूसरी तरफ वहीं ऑनलाइन शॉपिंग की जितने भी पोर्टल है वहां पर भी आप लगातार, ऑनलाइन का क्रेज आजकल इतना हो गया कि हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। और कब आपके अकाउंट से आपके ओटीपी शेयर कर लिए जाते हैं या कब आपसे इस तरीके की कोई चीज़ पूछी जाती है जिसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, और ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हम अपनी पिक्चर्स लगाते हैं, फैमिली की पिक्चर्स लगाते हैं, उन फोटोज़ को भी कोई अनाधिकृत रूप से अगर इस्तेमाल कर रहा है तो ये भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। और जनता इस समय साइबर क्राइम से बहुत त्रस्त है। जो समझदार है वो इनसे बच लेते हैं, लेकिन समझदारी का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमेशा हमें साइबर पुलिस के द्वारा या हमें बताया जाता है कि
हर हफ्ते या हर महीने हमें हमारे सोशल मीडिया के और बैंकिंग के पासवर्ड चेंज करने होते हैं या फिर हमें अपनी एप्लीकेशन अपडेट करनी होती है ताकि कुछ हद तक अपने साइबर अपराधियों से बचे रहते हैं। और बैंकों के द्वारा भी अक्सर कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं कि कोई सा भी बैंक आपसे आपके अकाउंट से संबंधित जानकारी नहीं मांगेगा। उसके बाद भी जब भी हमारे पास ऐसे फ़ोन आते हैं तो हम सारी जानकारी उनको बताते हैं और ऐसे साइबर अपराधों के हत्थे चढ़ जाते हैं। हम आपको बता दें कि लोगों की गाड़ी कमाई पर साइबर ठगों की लगातार नजर रहे और ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में ज्यादा लोग बाग ठगे जा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश दादिच फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी राकेश, प्रदेश में लगातार जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं पुलिस प्रशासन की जो नाकामयाबी है इस साइबर क्राइम की तरफ वो कहीं ना कहीं उजागर हो रही है, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी जो समस्या है पुलिस के सामने वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के लिए लगातार जो मामले पुलिस के सामने आ रहे हैं ऑनलाइन ठगी के, उसमें सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार बैंक खातों से पैसे निकाले जा रहे हैं, एटीएम क्लोनिंग बनाई जा रही है और जो फर्जी कोड है वो इंटरनेशनल कॉल की मदद से, फेक कॉल की मदद से लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को इनाम के लालच में ठगा जा रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे ऐप है जो दिल्ली और बेंगलोर की कंपनियां संचालित कर रही है, लगातार वहां के जो आप ये कह सकते हैं आईटी के एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं कि पुलिस के एक रिपोर्ट को खुलासा हुआ है जिसमें दिल्ली हरियाणा पुलिस लगातार इन मामलों पर नजर बनाए हुए है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठगी होती है उसमें सबसे बड़ी बात लोगों को अवेयरनेस की भी है, क्योंकि लालच में आके लोग अपना ओटीपी नंबर बता देते हैं, समझ नहीं आता। क्योंकि एक सबसे बड़ा ये सवाल है कि जिस तरह से कई मामले राजस्थान पुलिस के नजर आए हैं, उनमें अधिकतर मामलों में समझदार लोग भी ठगी के शिकार हुए हैं। तो ये अपने आप में अचरज बड़ा सवाल है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के साथ ठगी होना अपने आप में एक सवाल तो है ही, लेकिन अवेयरनेस होते पे भी वो ठगे जा रहे हैं। रोजाना आप जयपुर की बात करें, आज भी जयपुर में करीब 3 मामले ऑनलाइन ठगी के दर्ज हुए हैं। लगातार ऐसे मामलों पर पुलिस को नजर बनाई हुए है, लेकिन कमिश्नरेट में पिछले कुछ दिनों पूर्व ही एडिशनल कमिश्नर संतोष चारके ने साइबर टीम का गठन किया है। प्राइवेट जो व्यक्ति है जो अनुसंधान में मदद के लिए इन्होंने एमयू साइन किया है, पहली बार राजस्थान पुलिस के जो साइबर ठगी के जो मामले हैं वो एक प्राइवेट व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है। मुकेश चौधरी नाम के जो व्यक्ति है जिनकी एक प्राइवेट कंपनी है जयपुर में, उनका गोपालपुरा में एक ऑफिस है, वहां पे लगातार वो जो पुलिस के दिए गए जो फाइल है उनका अनुसंधान करते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि पुलिस को भी हाईटेक होने की जरूरत है, पुलिस के जवानों को भी साइबर जो ठग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में, उनके जो पुलिस कर्मी है उनको भी पता रहना चाहिए, उनको भी जो कंप्यूटराइज शिक्षा है, साइबर शिक्षा है। जी बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से साइबर अपराधी, तो जो साइबर अपराधी, हम साइबर शब्द का हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट लोग हैं और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी से के वो हमसे ज्यादा जानकार हैं। तो ऐसे में उनका सामना करने के लिए पुलिस प्रशासन को भी ऐसे लोगों की अपने भर्ती करनी होगी जो साइबर एक्सपर्ट्स हों। खैर राकेश, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ विनीत कुमार जुड़ चुके हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट है। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। शुक्रिया जी। विनीत जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अगर अपन पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो करीब 1200 से 1300 के करीब साइबर अपराध हुए हैं, जो कि लूट डकैती के अलावा सबसे बड़े नंबर पे साइबर अपराध भारत में या यूं कहें राजस्थान में घटित हुए हैं। और इसमें बड़ी मात्रा में ऑनलाइन शॉपिंग, एटीएम की जानकारी, बैंक खाते की जानकारी, इस तरीके की फोन या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान की गई गड़बड़ियों के कारण ये सब कुछ हुआ है। क्या आपको लगता है कि वाकई में प्रशासन में इस तरीके के लोग हैं जो पूरी तरीके से साइबर अपराधों पर हल्की सी भी रोक लगा भी सकते हैं?
जी बिल्कुल, प्रशासन में लोग हैं यहाँ पे जी, बट जहाँ तक कि मैं बात करूँ क्रिमिनल का और आप बता रहे जो संख्या जो बढ़ी है जी, ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, क्योंकि अब लिटरली हर क्राइम में एक टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, मोबाइल फोन है जो स्मार्ट है, और हर डिवाइस आने वाले टाइम में हर घर में करीब 100 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन आने वाले हैं एक साल 2020 में जी, और गांव-गांव तक अब कनेक्शन पहुंच रहा, इंटरनेट पहुंच रहा है, तो ये एकदम बढ़ेगा और रिपोर्टिंग भी बढ़ेगा। ये अगर इंटरनेट बढ़ रहा है तो उससे क्राइम भी बढ़ेगा, क्राइम होगा तो रिपोर्टिंग बढ़ेगा और उसका आपका आंकड़े और ऊपर जाएंगे। तो जहां तक की बात है कि प्रशासन में ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल हैं, और सरकार भी नई नई इनिशिएटिव से अभी एक पोर्टल का लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, cybercrime.gov.in, जिसमें ऑनलाइन कंप्लेंट सब कुछ लिया जा रहा है, और I4C करके जो कि गृह मंत्रालय ने सेटअप किया है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C नाम है इसका, जिसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट्स जो कि इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर से लोग जो कि साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जिसको इसमें लिया जा रहा है, और एक तरह से एक अच्छा कंसोर्शियम बना के इससे लोगों को मदद करने की कोशिश की जा रही है। बट ये अभी शुरुआती दौर पे है और इसमें अभी टाइम लगेगा ये चीज को होते, करीब मेरे को उम्मीद है कि आने वाले 1.5-2 साल में ये चीज स्टेबलाइज हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन अभी सब चीज शुरुआती दौर पे है। जी बिल्कुल विनीत जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से अभी आपने कहा, जिस हिसाब से इंटरनेट की स्पीड अब आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ सालों में या महीनों में और बढ़ेगी, और घरों में इंटरनेट के जो उपकरण है वो और लगाए जाएंगे, तो ऐसे में इनमें और बढ़ोतरी होगी। तो क्या ऐसा कोई फायरवॉल सिस्टम या हम पुलिस प्रशासन के माध्यम से या किसी ऐसे माध्यम से हम जनता को हम शिक्षित कर सके इन चीजों के रोकथाम के लिए? हाँ, इसमें एक चीज है कि मतलब जो पुलिस प्रशासन और ये लोग कर ही रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स अभी किया जा रहा है, बट वो काफी पर्याप्त नहीं है मेरे हिसाब से जी। और इसमें क्या है कि जागरूकता जो है, जैसे हम लोग भी एक एनजीओ साइबर पीस फाउंडेशन है, तो वैसे और भी जो भी संगठन है उनको सब साथ में आना होगा, पुलिस को साथ में आना होगा और अवेयरनेस को और बढ़ाना होगा। यहाँ पे क्या कि क्राइम हो जाने के बाद जो है वो टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, इन्वेस्टिगेशन में ये भी देखा गया है कि अगर बाहर दूसरे कंट्री से अगर क्राइम अगर हो रहा है तो ऑन एन एवरेज करीब 4-5 महीने लग जाते हैं डेटा का रिस्पॉन्स आने में, क्राइम का रिकॉर्ड किसने किया। तो यहाँ पे हमें जरूरत है कि एज इंडिविजुअल कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, हमें अवेयरनेस, हम अवेयर रहे कि किस तरह के क्राइम अपराध हो रहे हैं और उन सब अपराध उन सब चीजों में नहीं फंसे। और बेसिक चीज जैसे आपने बताया फायरवॉल, एंटीवायरस, अब जो मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, मोबाइल फोन कंप्यूटर से कम नहीं है आज के दिन में, तो मोबाइल फोन का भी एंटीवायरस होता है, मोबाइल फोन का भी फायरवॉल होता है जिसको इंटरनेट सिक्योरिटी बोलते हैं जी। तो ऐसे डिवाइसेस को, ऐसे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना चाहिए, फोन को अपना अप टू डेट रखना चाहिए। नहीं विनीत जी, माफ कीजिएगा या मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, अभी आपने कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन का भी फायरवॉल सिस्टम होता है, मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल के लिए भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर हम बात करें मोबाइल पे ये साइबर अपराध रोकने के लिए एंटीवायरस की या किसी फायरवॉल सिस्टम को लगाने की, तो सबसे बड़ी बात जो साइबर अपराधी होते हैं उनको भी ये चीज़ पता होगी और हमसे पहले उनको पता पड़ जाती होगी कि इस तरह की कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन मार्केट में आ रहा है, तो वो उससे मिलता जुलता कोई एप्लीकेशन निकाल देते हैं। तो आज जनता को भी ये समझने की ज़रूरत है, या जनता ये कैसे पहचाने कि ये पर्टिकुलर एंटीवायरस या ये पर्टिकुलर फायरवॉल सिस्टम ही सबसे एक्यूरेट है और उसके मोबाइल के लिए सही है? देखिए, जब आप प्ले स्टोर में, अगर आप एप्पल फोन यूज करते हैं तो एप्पल स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे आप जाते हैं जी, तो जो भी आप एप्लीकेशन रखते हैं उसमें उसको टिक दिखाता है, या एंड्रॉइड वेरीफाइड, गूगल प्ले वेरीफाइड एप्लीकेशन, टिक मार्क यानी सही है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एंटीवायरस है, इंडिया में बना हुआ है क्विक हील एंटीवायरस जी, ये सब नामी एंटीवायरस है जिसको आपको डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्री के चक्कर में बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं गड़बड़ आते हैं, लोग समझ करके उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उनके फोन में वायरस आ जाता है। तो पहले जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं उसका आप देखें कि वो सही है, जेन्युइन है कि गलत है, कमेंट्स भी देखें नीचे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लोग जो यूज कर रहे हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं बता रहे, उसको पढ़ के जानबूझ करके तभी सब कुछ आगे तभी डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें उस चीज। जी बिल्कुल विनीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ एक पीड़ित जो जुड़ चुके हैं जो कि इन्हीं साइबर क्राइम की वजह से उन पे इस तरीके की एक मामला सामने आया था। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में, ये आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी भानु जी पहुंच रही जी, उमंग जी जी, क्या मामला हुआ है आपके साथ, कृपया हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली
परसों की बात है, अचानक मेरे मित्र ने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला, जबकि मेरा हैप्पी बर्थडे है ही नहीं था जी। तो अचानक हुआ क्या, मैंने बोला कि मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है, तो उसने मेरे को एक आईडी दिखाई, मेरे नाम से ही मेरा ही फोटो था। तो मैंने बोला ये आईडी फेक है, ये आईडी ही गलत है जी। तो फिर उसको देखा, सब देखा, ये सारा मतलब किसी बंदे ने फेक आईडी बनाई गई है वो जी। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इसका समाधान कैसे हो सकता है जी। बिल्कुल, हमारे साथ में विनीत कुमार जी जुड़े हुए, साइबर एक्सपर्ट है। विनीत जी, हमने भी हमारे इस चर्चा के शुरुआत में बताया था कि साइबर अपराध सिर्फ इतना सा नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए, या एटीएम का क्लोन बना के, या किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए अगर आप ठगे जाते हो, यही सिर्फ साइबर अपराध में नहीं आता है, बल्कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं उस पर हमें एक अक्सर ये रहता है कि हमने कुछ भी करा है, कोई भी इवेंट हमारे घर में हुआ है, या हम कहीं पे भी खड़े हैं, कहीं नई जगह जा रहे हैं, हम तुरंत फोटो खींचते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, भले ही वो हमारी खुद की हो, हमारे परिवार की हो, या हमारे किसी खास यार दोस्त की हो। ऐसे में उस फोटोज को साइबर अपराधी किस हिसाब से, किस जगह और कैसे यूज कर सकते हैं, इस पर किस तरीके से रोक लगाई जा सकती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, इसमें तो मैं ये बोलूंगा कि इसको अगर रोक की बात करें तो हमें अपने आप पे रोक लगाना होगा, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज जाना होगा। एक शेयरिंग अच्छा है, शेयर करो, ये करो, बट ओवर शेयरिंग अच्छा नहीं है जी। जरूरत से ज्यादा शेयरिंग करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का किडनैपिंग हो गया, लोगों के घर में लूट हो गई। अब वो कैसे हुई कि उन्होंने सोशल मीडिया पे चेक इन कर दिया कि मैं अभी घूमने जा रहा हूँ, मसूरी घूमने गया हूँ। सोशल मीडिया पे हमें दोस्त बढ़ाने का शौक रहता है, हम जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है बिना देखे हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। तो गलती हमारी है, सोच बूझ करके। जैसे कि आप रियल लाइफ में दोस्ती करते हैं तो आप सोच के सब कुछ ये करके वेरीफाई करके तभी दोस्त बनते हैं जी। वर्चुअल वर्ल्ड भी आपको रियल वर्ल्ड जैसा है, आप बिना सोच समझे दोस्ती नहीं कर सकते। किसी से आपने दोस्ती कर ली तो उसके बारे में, आपके बारे में उसे हर एक चीज मालूम है कि आप क्या करते हैं, आपका पसंद क्या नहीं पसंद है, उस तरह से उसको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि आपके दोस्त कौन है, आपको अच्छा क्या लगता है, आपका बर्थडे कब है, और इस तरह के मैसेजेस वो आपको क्राफ्ट करके भेज सकते हैं और आपके मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। दूसरा एक और इसका पहलू ये भी है कि मिस इन्फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं फेक न्यूज, इस तरह से क्या है कि इसी माध्यम से अगर हम बिना सोचे समझे अगर मैसेजेस और इस तरह के वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं या ये करते हैं तो उससे भी नुकसान है, लोगों की जान तक चली जाती है इसके चलते। तो ये सब सोच समझ के थिंक, हम लोग बोलते हैं थिंक बिफोर यू शेयर, वही चीज है कि आप उस चीज को शेयर करने से पहले या उसको एक बार सोचो कि इसका गलत प्रभाव क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, आशा है जो भी हमारे साथ में पीड़ित जुड़े उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर मनोज योद्धा भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। मनोज जी, जिस प्रकार से देखा गया है साइबर अपराध की हम बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, ज्यादातर जो युवा है उनमें, अभी जैसे विनीत जी बता रहे थे जो साइबर एक्सपर्ट है, युवाओं में अक्सर एक क्रेज देखा गया है फोटोग्राफी, और एक नया शब्द चल पड़ा है सेल्फी। सेल्फी का एक बड़ा क्रेज है, कुछ भी हम करते हैं हमें तुरंत फोटो खींचनी है, तुरंत सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है, और युवाओं में ये चीज सबसे ज्यादा देखी गई है। और लाइक्स की जो एक भूख हो गई है आजकल के युवाओं में, जितने उसके पोस्ट पे उतनी फोटोग्राफ पे जितने लाइक होंगे, इसका मतलब वो सोशली बहुत ज्यादा वो मशहूर है, जबकि असल जिंदगी में उसके साथ क्या हो रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो आपका क्या कहना है जो आजकल के जो युवा है उनके बारे में? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इन दिनों युवा असल जिंदगी के बजाय एक वर्चुअल जिंदगी जीना चाहता है, तो सारी उसकी लाइफ जो है पूरी वर्चुअल हो चली है जी। और न केवल वो तस्वीरों को लेने की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी कई सारी ऐप बनी हुई हैं जिस पर आप अपने हाथ का निशान बनाइए और उससे आपको उसका भविष्य बताया जाएगा जी। उन्हें ये पता नहीं है कि उनकी जो फिंगरप्रिंट है उसके जरिए कई सारी डेटा हैकिंग हो रही है जी। और ये डेटा और मोबाइल की जो खरीद फरोख्त है उस वजह से ये सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। अमेरिका की एक कंपनी है FIS ने वो वन लेवल पे एक सर्वे किया जिसमें पता लगा कि 18 से 36 वर्ष के लोग जो युवा हैं जी, वो अपने खरीद फरोख्त की सारी जानकारी जो है वो मोबाइल से जुटाना चाहते हैं, और तमाम खरीद फरोख्त में उनसे कई तरह की जानकारियां मांगी जाती जी। आपको जानकारी होगी अभी कि कौन बनेगा करोड़पति के नाम पे कई सारे व्हाट्सएप और कई सारे मैसेजेज आ रहे हैं जी, और उसके कारण वो कई तरह की साइबर क्राइम से उस जाल में फंस रहे हैं। और ये जानकारी देना बहुत ज्यादा उचित होगा
कि राजस्थान साइबर क्राइम के मामले में चौथे स्थान पे है जी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद में सबसे ज्यादा डेटा राजस्थान के लोगों से लिया गया है। एक एक, एक आंकड़ों के मुताबिक 5000 से अधिक डेटा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल की ली गई है जी। तो इस तरह से ये जो डेटा कलेक्ट जी मनोज जी माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर प्रथम संतोष चालके जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू जी। संतोष जी जिस प्रकार से साइबर अपराधों की बात हो रही है, पिछले एक साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो काफी बड़ी संख्या में साइबर अपराध बढ़े हैं और हमारे साथ इस समय विनीत कुमार जी भी जुड़े हुए हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। संतोष जी आपसे जानना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से इन साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया है और आगे क्या कुछ किया जाएगा ताकि इस तरह के अपराधों से भोली भाली जनता ठगने से बचे। मैं सबसे पहले इंडिया टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। दिस इज रियली एस्टोनिशिंग कि साइबर क्राइम्स आर इंक्रीजिंग एंड देयर इज नीड टू एजुकेट पीपल आल्सो ऑन दिस मैटर। तो आप लोगों को जानकारी देना, उनको इस मामले में सुशिक्षित करने का काम जो आप कर रहे हो वाकई कराना है जी। अब मैं इसमें बता रहा हूँ कि आज तक हम राजस्थान पुलिस में हम साइबर क्राइम को डील करने के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम का ट्रेनिंग देकर उनको सकुशल बनाने का प्रयास कर रहे थे जी। लेकिन हमने ये पाया कि साइबर क्रिमिनल्स आर वे अहेड ऑफ अस जी। तो उनको काबू पाने के लिए हमने एक नया तरीका इजाद किया है, वो है कि हम प्राइवेट साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स को हमने हायर किया है और ये इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान। ये हमने जयपुर कमिश्नरेट में 6 साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स को प्राइवेट एक्सपर्ट को हायर किया है, इसके लिए अलग से साइबर सेल गठित किया है और पिछले महीने में ही उनके ऑर्डर जारी कर दिए हैं और इनके लिए एक अत्याधुनिक साइबर लैब गठित करके उनको दी है। और इस तरह से हम आपको गारंटी देते हैं कि आने वाले 2 महीने में जयपुर पुलिस विल बी द नंबर 1 इन द कंट्री इन टैकलिंग साइबर क्राइम केसेस जी। जी बिल्कुल संतोष जी, ये तो एक बहुत ही अच्छी और सार्थक पहल है कि और सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से आपकी भी एक छवि है, आपने सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में आपने साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो आपने सॉल्व करे हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मोस्टली किस तरीके के केसेस सबसे ज़्यादा नंबर्स में आते हैं और जनता को क्या कुछ खास सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हर 3 महीने में साइबर क्राइम का ट्रेंड बदल रहा है जी। आपने देखा होगा पिछले साल इंश्योरेंस के आपके इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर ठगी होती थी जी, उसके बाद बदल के आया है ओएलएक्स के नाम पर, ओएलएक्स पे सामान बेचने के नाम पर ठगी होने लगी जी। अब कॉल सेंटर, फेक कॉल सेंटर के जरिए यूएस के सिटीजन को भी ठगी करने की बात सामने आई जी। और अब लेटेस्ट ये है कि बिना ओटीपी दिए, ये ओटीपी से तो ठगी की जा रही थी लेकिन बिना ओटीपी के अपने आप आपके बैंक अकाउंट से पैसा गायब किया जा रहा है। और लेटेस्ट ट्रेंड है कि आपके फेसबुक पेज को हैक करके उसपे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डाल के आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये भी सामने आ रहा है जी। तो संतोष जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी एडिशनल कमिश्नर प्रथम संतोष चालके ने भी कहा कि जो हर 3 महीने में साइबर अपराधों का एक ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो जनता को कैसे और कहां तक अपडेट किया जाए, क्योंकि अगर हर 2 से 3 महीने में ट्रेंड ही चेंज हो जाता है तो। जी विनीत जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से विनीत जी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अभी हमारे जितने भी गेस्ट थे उनके हिसाब से भी जो भी बातें उन्होंने बताई हैं, साइबर अपराध से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर 2 से 3 महीने में साइबर अपराध करने का ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो हमें भी ज़रूरत है कि हम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट रखें और हमारे जो पासवर्ड्स हैं, सबसे बड़ी बात उन पासवर्ड्स को ही हैक करके हमारे किसी भी ऑनलाइन आईडी को या सोशल मीडिया साइट्स को ये लोग हैक करते हैं। सबसे बड़ी बात हर 2 से 3 महीने में हमें भी हमारे पासवर्ड्स चेंज करने की ज़रूरत है, तभी हम कुछ हद तक इन साइबर अपराधों से बच सकते हैं।
फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।